हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, आखिरकार मीडिया के सामने आई शफकनाज और फलकनाज अपनी मां के साथ और साथ ही साथ आए शिजैन खान के लॉयर कि उन लोगों ने रिपोर्टर्स के तीखे सवालों का सामना और दिए जवाब। वेल दोस्तों, ऐसे में शफकनाज ने तुनिशा शर्मा को लेकर काफ़ी बड़े बड़े बयान दिए और बताया कि भले ही मेरा उसके साथ खून का रिश्ता ना हो, लेकिन वो मेरे लिए किसी छोटी बहन से कम नहीं थी। वो मुझे सिर्फ अप्पी कहती नहीं थी, अप्पी मानती थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ शफक और फलकनाज ने उन सभी बेबुनियाद बातों का मुंह तोड़ जवाब दिया, उन सभी इल्ज़ामों को झुटलाया जो तुनिशा की मां ने उनके ऊपर लगाए हैं। एक तरफ जहाँ हिजाब को लेकर बोला गया था कि शिजैन का परिवार तुनिशा का धर्म बदलवा रहा है, तो वहीं साफ तौर से शफकनाज ने वो स्क्रीनशॉट दिखाया कि हिजाब दास्तान काबुल यानी कि अलीबाबा दास्तान काबुल में सीरियल के दौरान पहनना था और तभी उन दोनों ने तस्वीर ली थी और पूरे तरीके से मामले को मैनिपुलेट कर रहा है तुनिशा का परिवार। और इसी के बाद तुनिशा के मां के बारे में बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बोली हैं शफकनाज ने और फलकनाज ने। फलकनाज के एक स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा तोड़ा मोड़ा गया था। वो स्टेटमेंट था ब्रेकअप को लेकर, जहां एक तरफ तुनिशा की मां साफ तौर से तुनिशा के ऊपर सख्त नज़र रखती थी, उनके सारे पैसों को अपने अंडर रखती थी, एक एक रुपए के लिए तुनिशा को अपनी मां से मिन्नतें करनी पड़ती थी। तो ऐसे में फलकनाज ने कई और खुलासे किए कि उनके घर की ऐसी ऐसी बातें हमें पता है, ऐसे दुख दर्द हमें तुनिशा बताती थी जो तुनिशा की माँ उस पर अत्याचार करती थी। तो दोस्तों, यहाँ पे तुनिशा की अप्पी फलकनाज ने साफ तौर से अपना स्टेटमेंट जारी किया है एक और घर से और बताया है कि ब्रेकअप को लेकर वो क्या कहना चाहती हैं। ब्रेकअप हुआ या नहीं हुआ, इस पर्टिकुलर एक सवाल को इतना घुमा दिया, मेरे बोलने को इतना घुमा दिया, तोड़ मरोड़ दिया है। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ कि जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी, हमने ये चीज तब ही क्लियर की थी कि ब्रेकअप एक अच्छे नोट पे हुआ था। दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये डिसाइड किया था कि ठीक है, लेट्स फोकस ऑन आवर करियर फर्स्ट, और अभी बहुत जल्दी हम बहुत अर्ली स्टेज है इस चीज के लिए, पहले काम करते हैं, अच्छे से शो करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये व्हाट्सएप पे चैट है जो ऑलरेडी पुलिस के पास एज एन एविडेंस रखा है। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना क्योस था, इतने सारे रिपोर्टर्स अलग 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 जगह से अलग अलग डायरेक्शन से मुझसे सवाल कर रहे थे, और वो उस कंफ्यूजन में ये चीज हुई कि ब्रेकअप हुआ या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ, ब्रेकअप हुआ था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, गलत नोट पे ब्रेकअप नहीं हुआ। मार्क माई वर्ड, गलत नोट पे ब्रेकअप नहीं हुआ, अच्छे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ब्रेकअप हुआ है। वेल दोस्तों, यहाँ पे फलकनाज के स्टेटमेंट से साफ जारी होता है उनके वीडियो से कि दोनों का ब्रेकअप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ था और हर एक आरोप जो तुनिशा की माँ ने लगाए वो बेबुनियाद है। लेकिन तुनिशा के माँ के ऊपर जो जो सवाल खड़े किए गए हैं, आखिर उनका जवाब कब मिलेगा? क्या कहेंगे आप, कौन सही कौन गलत? हमें अपने व्यूज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।